ये एयरपोर्ट्स हैं और एक ये इसका केस है और तीसरा एक ये वायरलेस चार्जर है जो कि तीनों बहुत जल्द आपको गिव अवे में देखने को मिल सकते हैं। तो उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हनान और आपको वेलकम कहता हूं एक बार फिर हंटेक पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो यार आज की वीडियो में ना हमारे पास कुछ न्यूज थी अपकमिंग डिवाइसेस से रिलेटेड, कुछ सैमसंग की डिवाइसेस थी और कुछ नोकिया की डिवाइसेस थी, क्योंकि जो सैमसंग की डिवाइसेस है ना ये काफी इंटरेस्टिंग डिवाइसेस हैं। इसके अंदर आपको अपकमिंग स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं और ये मिड रेंज ए सीरीज के स्मार्टफोन है, जो कि अगर सैमसंग की ए सीरीज से आप वाकिफ हो, आपने कभी सैमसंग ए सीरीज का नाम सुना हो या यूज तो वैसे मैक्सिमम काफी लोगों ने अब कर चुके होंगे, तो अगर आपने यूज किया हो तो ये मिड रेंज में काफी अच्छी डिवाइसेस लॉन्च कर रहे होते हैं और इसकी जो प्राइसेस होती हैं वो आपको काफी कम देखने को मिलती हैं। लाइक अगर आप कोई भी स्मार्टफोन बाय करते हैं मिड रेंज का तो उसके कंपैरिजन में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। अब बात करें अगर सैमसंग की तो थ्री डिवाइसेज आपको देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर जो एक डिवाइस है वो सैमसंग की A24 है और A34 है और A54 है, जो की सैमसंग अपनी A20 और A30 और A50 सीरीज के आगे कंटिन्यू करेगी। और इसके अंदर जो एक न्यूज सुनने में आ रही है वो ये है कि इसके अंदर आपको सैमसंग डेप्थ सेंसर रिमूव करने वाला है। सैमसंग का कहना है कि ये एक्स्ट्रा सेंसर होता है, इसका कोई खास काम नहीं होता, तो शायद सैमसंग अपनी नेक्स्ट सीरीज में इसको रिमूव कर दे डेप्थ सेंसर को, या हो सकता है अपने किसी और कैमरा के साथ अपने डेप्थ सेंसर को मर्ज कर दे, जिस तरह आईफोन वगैरह भी करता है टेलीफोटो लेंस के साथ ही आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। तो हो सकता है सैमसंग भी इस तरह का कुछ करे जिसके अंदर आपको एक सेंसर कम देखने को मिले। लेकिन चूंकि तीनों ही मिड रेंज सीरीज है तो तीनों में आपको जो स्पेक्स है वो काफी अच्छे देखने को मिल सकते हैं और इनकी जो स्पेक्स है वो अभी बताई जा रही है कि ये तीनों स्मार्टफोन 5G होने वाले हैं। तीनों ही स्मार्टफोन की बात करें तो अभी कुछ ज्यादा स्पेक्स तो इनके कंफर्म नहीं है, मेरे पास कुछ स्पेक्स इनके आए हैं जिनमें इनकी रेजोल्यूशन वगैरह आई है। इन तीनों के अंदर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, 5000 प्लस की एमएएच की बैटरी आपको देखने को मिलेगी। चिपसेट अभी कंफर्म नहीं है लेकिन जैसा कि मैंने बताया 5G चिपसेट आ सकता है, तो अगर 5G चिपसेट होगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो काफी पावरफुल चिपसेट होने वाला है, तो इस लिहाज से इसका जो चिप है वो काफी अच्छा ही आपको देखने को मिलेगा मिड रेंज के हिसाब से। इसके अलावा ऐसे खास फीचर इसमें है नहीं, टाइप सी वाली चार्जिंग आपको देखने को मिलेगी, बैक पे तीनों के ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसके अंदर एक में आपको 50 मेगापिक्सल का, जबकि A34 में आपको 64 और जबकि A54 में आपको 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा देखने को मिल सकता है मेन कैमरा, साथ आपको अल्ट्रा वाइड और मैक्रो सेंसर देखने को मिल सकते हैं और फ्रंट कैमरा तीनों की डिफरेंट है, लेकिन वो भी अभी इतने हद तक कंफर्म नहीं है कि उस पर अभी फुल डिटेल दी जा सकी। तो अब अगर बात करें इनकी पाकिस्तान में रिलीज डेट की तो A24 और A34 के बारे में कहा जा रहा है कि ये नेक्स्ट ईयर मार्च तक आपको देखने को मिल सकते हैं, और जो A54 है क्योंकि बड़े भाई हैं तो बड़े भाइयों ने एंट्री भी फिर बड़ों वाली मारनी है, तो A54 आपको थोड़ा सा लेट देखने को मिलेगा इनसे। लेकिन ये तीनों स्मार्टफोन अभी के लिए सैमसंग की तरफ से कंफर्म किए जा चुके हैं कि ये तीनों स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर में, तो अब देखना पड़ेगा किस तरह से मार्केट को गेन करेंगे। अभी कल मैं एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें नोकिया से रिलेटेड बताया जा रहा था कि नोकिया ने प्रॉमिस किया नोकिया की सी सीरीज पाकिस्तान में लॉन्च कर सकती है नोकिया, जिसके अंदर नोकिया के C21 के नाम से स्मार्टफोन डिवाइसेस आपको देखने को मिल सकती है। अब इसमें मैं कुछ स्पेक्स इसमें मेंशन किए गए थे जो कि ज्यादा आपको कंफर्मेशन नहीं मिली थी कि इसमें कितने हद तक आपको स्पेक्स कंफर्म देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें जो स्पेक्स आपको बताए गए हैं उसके अंदर आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले बताया जा रहा है। अब ये नहीं कंफर्म किया गया इसके अंदर आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा, TFT पैनल है, या फिर इसके अंदर आपको सुपर एमोलेड देखने को मिल सकता है, लेकिन आई गेस इसके अंदर आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिले LCD डिस्प्ले, तो अभी ये बात कंफर्म नहीं है। 5050 mAh की बैटरी है, फास्ट चार्जिंग का भी बताया नहीं गया कि फास्ट चार्जिंग आएगी या नहीं आएगी। रैम और स्टोरेज की बात करें तो 3GB 32GB की रैम स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी, सो आई थिंक ये लो मिड रेंज सीरीज में कहीं पे जाके आए, क्योंकि नोकिया शुरू से ही पाकिस्तान में जब तक अभी तक जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च किया कम ऐसे स्मार्टफोन है जो कि नोकिया ने कम बजट में अच्छी डिवाइस प्रोवाइड की हो, नहीं तो नोकिया के अगर आप पाकिस्तानी मार्केट की बात करते हैं जब से नोकिया दोबारा कम बैक किया नोकिया के स्मार्टफोन शुरू से ही ओवर प्राइस रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट में। लेकिन अभी के लिए नोकिया की ये सीरीज कंफर्म है कि पाकिस्तान में आ सकती है, तो आप लोग भी मुझे बताएगा कि आप किससे रिलेटेड क्या राय है, क्या आप नोकिया के डाई हार्ट फैन है, अगर आपको नोकिया और सैमसंग में से कोई चूज करना हो तो आप किसको ज्यादा प्रेफर करेंगे। इसके अलावा एक और चीज जो कि मैं आपको बताता चलूं, हमारे चैनल पे बहुत जल्द गिव अवे आने वाला है जिसके अंदर ये तीन चीजें हैं, जिसके अंदर एक ये एयरपोर्ट्स हैं और एक ये इसका केस है और तीसरा एक ये वायरलेस चार्जर है, जो कि तीनों बहुत जल्द आपको गिव अवे में देखने को मिल सकते हैं। तो उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और भाई ये जो एयरपोर्ट्स है ना ये कल मैंने खुद चेक किए हैं और इसके अंदर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वर्क करता है, तो इसका भी जल्दी रिव्यू आ जाएगा और अनबॉक्सिंग आ जाएगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। आज की वीडियो में इतना ही था, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।